ऑलरेडी पता है एंड जिस तरह से मैसिव रिस्पॉन्स हमें टीजर पे मिला उस हिसाब से हम लोगों को बहुत उम्मीद है कि ये गाना बहुत सुपर डुपर हिट होगा और करवा चौथ का सॉन्ग है, करवा चौथ बस आने ही वाला है, तो इस बार करवा चौथ के लिए जितनी भी लेडीज हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनके लिए गाना तैयार है। जैसे मेरे लिए भी करवा चौथ के लिए अभी ये सॉन्ग तैयार है और इतनी एक्साइटेड हूँ मैं कि मैं आपको क्या बताऊँ इस सॉन्ग के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम अपने हस्बैंड के साथ मैं काम कर रही हूँ, रोमांटिक गाना कर रही हूँ। अनलाइक जैसे मैं डांसिंग नंबर ज़्यादा करती थी, मैं रोमांस कर रही हूँ, कुछ अलग करने की कोशिश की है। एंड आई एम श्योर लोगों का सपोर्ट रहा, जिस तरह से ब्लॉग्स में लोग हमें इतना प्यार देते हैं, वैसे ही अगर सब लोगों का इतना सपोर्ट रहा तो ये सॉन्ग बहुत बड़ा हिट होगा। मैम, व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट व्हाइल डूइंग ऑल दिस म्यूजिक वीडियो? आई गेस द बेस्ट पार्ट वॉज जब अमित ने हमें बताया कि ये जो टेबल है वहाँ पे मैंने कुछ वाइट कलर का सलवार कमीज पहना हुआ था और अविनाश वॉज वेयरिंग समथिंग इन ब्लू, और अमित ने बोला यहाँ पर मैं टेबल के पास मैं कैमरा ऑन करूँगा और हम अपने टेक्स लेंगे, तुम लोगों को क्या करना है तुम बस करो। और मैं आपको बता रही हूँ वो शॉट्स जितने भी हैं वो सबसे बेस्ट आए हैं, क्योंकि आई थिंक हमारे जो रियल केमिस्ट्री है वो बाहर आई उस शॉट के दौरान। तो वो मेरे को बहुत वन ऑफ माई फेवरेट शॉट्स है। जब आप देखेंगे जितने भी लोग वो वाइट वाला जिसमें मैंने सलवार कमीज पहन रखा है वो वाला शॉट देखोगे तो वो बड़े रियल शॉट्स हैं, तो उसको हमने बहुत इंजॉय किया। संभावना जी, आपका रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला अविनाश सर के साथ आपको सॉन्ग करना है, तो कैसे रिएक्शन क्या था? रिएक्शन तो तब होगा ना जब मुझे पता नहीं होगा, सडनली पता लग गया हम दोनों इनसे मीटिंग करने आए थे, तो कोई हमें कोई शॉक रिएक्शन था ओ माय गॉड हम दोनों को साथ में लिया है, नहीं वेल प्लान्ड, ये तो प्लान था। और हाँ, ये जरूर था जब हमें ये पता लगा था कि हम दोनों को ये चीज साथ में ऑफर हो रही है तो हम लोग बहुत खुश थे, क्योंकि ऐसा कुछ हम लोग बहुत सालों से करना चाहते थे। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ सुरेश जी की, मेरा नहीं, आप हाँ बोला, हमारे यही बहुत है। आपने मतलब एटलीस्ट किसी ने सोचा, वरना क्या होता है हमारी इंडस्ट्री की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, द मोमेंट आप किसी को एक एक्स रूप में देख लेते हो तो आप उसको टाइपकास्ट कर देते हो कि अच्छा ये मतलब नेगेटिव, मतलब संभावना ने बिग बॉस किया मतलब संभावना ने नेगेटिव ही होगी, अब तो इसको नेगेटिव ही रोल देते रहो, या डांसिंग करती है तो डांसिंग ही देते रहो। कोई और अलग क्यों नहीं सोचता? जैसे सुरेश जी ने कुछ अलग सोचा, अमित ने कुछ और अलग सोचा हमारे लिए, वैसे बाकी लोग भी तो सोच सकते हैं। मैं यही सोचती थी कि डू आई लुक ओनली नेगेटिव, या लोगों को लगता है कि मैं डांस के अलावा कोई और कुछ और कर ही नहीं सकती हूँ। बट ऐसा जब आपको चांस मिलता है, जब आपका कॉन्फिडेंस अपने आप से उतरने लगता है और ऐसे ही सडनली कोई चांस देता है तो उसकी आप मतलब हमेशा के लिए यू नो यू शुड बी ग्रेटफुल। और मैं इनकी बहुत थैंकफुल हूँ कि इन्होंने हमें ऐसा कुछ करने का अलग कुछ करने का मौका दिया। राजीव जी, क्योंकि मैडम का ये गाना तो हिट हो चुका है, हमेशा माने कि बैक टू बैक प्रोजेक्ट आप मैडम एंड सर के साथ चांद 2, 3 ऐसा कुछ हम देखेंगे? Of course देखेंगे, but not only चांद 1, चांद 2, चांद 3, we have सूरज भी देख सकते हैं, दिन में तारे भी देख सकते हैं। ऑफ कोर्स है हमारे कुछ प्लानिंग है विच आप लोग ग्रेजुअली आप लोगों को चैनल में देखने को मिलेगा। सूरज जी, आप बताइए कि जैसे फोटो जो म्यूजिक कंपनी है काफ़ी नए लोगों को भी मौका दे रही है, मैंने देखा है कई सारे सेलिब्रिटी के साथ आपका नाम है, ये जो इनिशिएटिव आपके इसके बारे में थोड़ा। बेसिकली हमारा जो काम है सॉफ्टवेयर कंपनी है मेरी, और थोड़ा सा ब्रीफ 2 मिनट का बता दूंगा समझ में आ जाएगा फोटो फिट क्या है। तो लास्ट लॉकडाउन से 1 महीना पहले मतलब फरवरी 2020 में एक बार अमित भाई ने बोला कि सर हम लोग एक कुछ काम करते हैं, एक गाना बनाते हैं। तब कंपनी का उतना थॉट्स अपने दिमाग में था नहीं कि इतना लंबा चौड़ा काम करना है। कच्छ का रेगिस्तान बहुत जो सफ़ेद रण है बहुत अच्छा खिला हुआ है इस बार, तो ठंडी की मौसम थी, ठंड का महीना था, तो हमने एक बढ़िया सा मीरा बाई का एक भजन था, पद था, उसको गाने में कन्वर्ट किया और हमने एक गाना बनाया। तो वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई है, आज हम अंधेरी में हमारा 4,500 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, हमने 8,000 स्क्वायर फीट का एक VFX स्टूडियो लिया हुआ है जो कि वहाँ हर बंदे की नीड ख़त्म हो जाएगी। आप छोटे अपनी एडवर्टाइज से लेके बड़ी मूवीज़ तक आप वहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। तो हम खुद अपनी एक बहुत अच्छी एक लाजवाब मूवी भी ला रहे हैं जो जस्ट कुछ लोगों के लिए करना है, कुछ
जो लोग आज मार्केट में अपना टैलेंट लेके बैठे हुए हिडन है, वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उस सोच में मैंने ये एंटरटेनमेंट कंपनी बनाई है। मेरी इस कंपनी की 9 अलग अलग पेरेंट कंपनियां हैं। आपको आगे आगे फोटोफिट ग्रुप